जननी दुर्गे माई के कैसे जननी दुर्गे माई और कैसे सिंह सवारी पाई और कैसे आई मात भवानी और पावन भैरु छबन कर ले समाज यहाँ पे बैठा है उनके चरणों में हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम है आप ही का दिया हुआ आशीर्वाद एक महिषासुर के नाम के राक्षस ने जब स्वर्ग लोक पे आक्रमण कर दिया इंद्र तक को हरा दिया और जब देवों को अपना अस्तित्व खत्म होता दिखाई दिया सारे देव हाथ जोड़कर भगवान विष्णु ब्रह्मा और शिव शंकर के चरणों में चले गए महाराज इसका अंत कैसे हो जब तीनों देवताओं ने अपने अपना आशीर्वाद दिया अपना अपना अंश दिया किसी ने भुजा दी किसी ने अपना अस्त्र दिया और किसी ने योग माया दी जब वहां पे महामाई का जन्म हुआ सुनने लायक बात महिषासुर ने करी कमाई एक सिंह मुखम नाम का राक्षस
जो उसी युद्ध में आया और उसका आमना सामना हो गया सेकंड देव का दूसरा नाम था कार्तिक भगवान, उनसे आमना सामना हो गया और जब वो सिंह मुखम जिसका शेर का मुंह था उसको सेकंड देव जी ने हरा दिया तो हाथ जोड़ के बैठ गया वो राक्षस कि हे देव मैं तो अपने मोक्ष के लिए आया था। तो वहां पर सेकंड देव जी ने बताया कि आपका मोक्ष मेरे हाथ से नहीं है, आपका मोक्ष आपका नाम आपको वरदान वो माता देंगी जिनका अभी अवतार हुआ है, आप उनकी सवारी बन जाइए। और ऐसा बताते हैं वहां पे जब वो सिंह मुखम गया तो मैया दीदी पार्वती जी कर रही थी तपस्या, जिनको काली का रूप मिला था उस समय काला रंग पड़ गया था तपस्या कर करके। तो 14 चक्कू 56 52 भैरू 56
शक्ल में वहां माई के ये वरदान से प्राप्त हुए। बोले सच्चे दरबार की जय हो। ये दादा शेर सिंह की प्रणाली और दादा श्री कृष्ण शर्मा की पार्टी है, उनके प्रणाली के यहाँ पे मंडल वाले बैठे हैं, जो भी बात होगी उन्हीं के अनुग्रह से होगी। और जब तक शुभ घड़ी जो आज दादा श्याम की चौपाल में हमारे जो पूर्वज उनका नाम लेने का हमें अपना परिचय देने का यह मौका मिला कि हमारी पार्टी किसकी प्रणाली है। दादा शेर सिंह हमारे दादा गुरु थे और दादा श्री कृष्ण जी हमारे गुरु जी हैं जो विराजमान हैं। उन्हीं के ज्ञान से उन्हीं के आशीर्वाद से ये प्रणाली चल रही है। जहाँ भी बात होगी ठोस की होगी, ग्रंथों के आधार पे होगी। अगर कोई भी मेरी माँ बहन किसी को कोई भी शंका हो तो हमें बताए जरूर, हाथ जोड़ कर उनको नमस्कार करेंगे, उनको बताएंगे। दादा शेर सिंह की राही, दादा शेर सिंह की राही, गुरु कृष्ण कविताई गुरु की पूरी बखानी।